रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार पर विकास को लेकर हमला बोला है, तो बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी विकास के मामले पर हो रही बयानबाजी पर तीखा जवाब दिया है। हमीरपुर में अभिषेक राणा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बुरी हालत है और सारे केस पीजीआई रेफर किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल रही है। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार पर विकास को लेकर हमला बोला है, तो बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी विकास के मामले पर हो रही बयानबाजी पर तीखा जवाब दिया। हमीरपुर में अभिषेक राणा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बुरी हालत है और सारे केस पीजीआई रेफर किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ हमीरपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में आज जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। आप कहीं पर भी पता कर लीजिए, लगातार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, कोई भी केस चाहे हमीरपुर का हो, चाहे टांडा का हो, चाहे कहीं का भी हो, ज़्यादातर केस जो है पीजीआई रेफर हो रहे हैं। जो एम्स की बात की गई थी, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी, ये सारे काम जो हैं लगभग रुक ही गए हैं। और जितने भी पेशेंट्स हैं, कोई भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर केस जो हैं वो पीजीआई रेफर कर रहे हैं। तो हिमाचल के जो लोग हैं, हिमाचल की आम जनता है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और इस समय कई बार जो कांग्रेस सरकार में भी और अभी वर्तमान में जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं, उन्होंने विधानसभा में कई बार आवाज़ उठाई है कि स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं इस प्रदेश के अंदर वो चरमरा चुकी हैं और इसके ऊपर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। हमीरपुर ही नहीं, हर जिले की ये हालत है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभिषेक राणा ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, तब से विकास को ग्रहणता लग गया है। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के समय में हुई शिलान्यास को जयराम सरकार दोबारा करवा रही है। उन्होंने कहा कि जब से हमीरपुर जिला के विकास को रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान बीजेपी सरकार का रहा है, जिससे अब जनता भी त्रस्त हो गई है। देखिए, जब से राज्य के अंदर जयराम सरकार आई है, हमीरपुर ज़िले का जो विकास है उस पर एक पूर्ण विराम लग चुका है। जब मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर पीछे हुआ था, तो कई अखबारों ने भी लिखा और कई लोगों ने भी देखा कि जो राजा वीरभद्र जी की सरकार के समय शिलान्यास हुए थे, वही शिलान्यास दोबारा मुख्यमंत्री जी से दोबारा करा दिए गए। तो आज यहाँ के जितने भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है या इलाके का विकास किया है जिससे हमीरपुर ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। बल्कि जब से मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है, तब से इस जिले के अंदर जो विकास रुका है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है रोकने में, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही है। क्योंकि जब आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकारेंगे, दुत्कारेंगे, उनको दूर रखेंगे, तो विकास कार्य कहाँ से होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है और उनके कार्यकर्ता और नेता जो है, वो बेतुका बयान दे रहे हैं और जनता को बताने में असमर्थ हैं कि कहाँ पर कार्य, विकास कार्य हुए हैं। वही हमीरपुर सदर के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ की जा रही आधारहीन बयानबाजी की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें सलाह दी है कि वो कांग्रेसी चश्मा उतारकर आम जनमानस की नजरों से विकास कार्यों को देखें, ताकि उन्हें पता चल सके कि विगत दो सालों में जयराम ठाकुर की सरकार ने प्रदेश में क्या क्या नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री से कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ आधारहीन बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेंद्र ठाकुर ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को बताया कि जयराम ठाकुर हिमाचल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के दरवाजों को आम जनता के हितों के लिए भी खोला है, वरना इस प्रदेश के ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो सरकारी हेलीकॉप्टरों का प्रयोग दिल्ली तक अपने निजी केसों को लड़ने के लिए ही प्रयोग करते रहे हैं। ऐसा है कि हमारे इस देश में अपोजिशन के जो नेता हैं, तो कुछ और भी ऐसे नेता हैं जिनको प्रेस में जाने की जरूरत है और बिना तथ्यों को, बिना जानकारी दिए बिना हर रोज पेपरों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं।
जैसे उन्होंने आपको प्रेस में स्टेटमेंट दी थी हेलीकॉप्टर के यूज़ करने के बारे में, मैं इतना बता देना चाहूँगा कि पिछले आंकड़े निकालिए, पिछले 5 साल के आंकड़े देखकर कि हेलीकॉप्टर का जितना दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया है उतना दुरुपयोग किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने तो उसका उपयोग अपने पर्सनल केसेज दिल्ली में भुगतने के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है। हमारे जो देश के मुख्यमंत्री हैं डाउन टू अर्थ हमारे मुख्यमंत्री हैं और ऑफिशियल फंक्शंस के बिना जहाँ जरूरी होता है नहीं हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। मैं मुकेश जी को सलाह देना चाहूँगा कि पहले अपने गृहवान में झांकें और अपने जो कारनामे पिछली सरकारों के रहे हैं उनके ऊपर जरा अपना नज़र दौड़ाइए, फिर प्रेस में आके किसी की आलोचना करिए।